Hello everyone, my name is Prithvi and welcome to the second session of syllogism. पिछली क्लास में हमने syllogism के basics cover करे थे. इस क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए concepts सीखेंगे और साथ के साथ questions भी solve करेंगे. So last class में हमने sum knot का Venn diagram बनाना सीखा था. तो अगर हमें given हो sum A and knot B and the left circle is A और right circle is B, तो हमने सीखा था दैट दिस एरिया द वन आई एम शेडिंग ग्रीन. सो जो ग्रीन वाला एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है सम ए आर नॉट बी. बट अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बताइए क्या ये सम ए आर नॉट बी का डायग्राम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए इस डायग्राम में जो मैंने ग्रीन पार्ट शेड करा है वो ऐसे ए हैं जो बी नहीं है. और स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम ए आर नॉट बी, तो ये भी सम ए आर नॉट बी का डायग्राम होगा. और फर्दर इसे एक्सपेंड करें तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड इसमें भी ये वाला एरिया जो होगा ये भी सम ए आर नॉट बी रिप्रेजेंट करेगा. क्यों? इसमें जितने भी ए हैं वो बी नहीं है, तो हमें सम ए आर नॉट बी में ये तो ढूंढना होता है वो ए जो बी का पार्ट नहीं है. सो ये तीनों पॉसिबल केसेस हैं जो सम ए आर नॉट बी के हो सकते हैं. अगर आपके पास क्वेश्चन आए और आप ये फर्स्ट वाले को अज्यूम करके ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कई बार गलतियाँ हो सकती हैं. तो इसलिए ध्यान रखें, स्पेशली जब आप कंक्लूजन इवेलुएट कर रहे हैं. आपको अभी भी बेसिक डायग्राम में यही वाला प्रेफर करना है, बट जब आप पॉसिबल डायग्राम्स बनाएंगे तो ये जो सेकेंड और थर्ड हैं इनको भी कंसिडर करें. एक और पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है सम ए आर नॉट बी के कंक्लूजन को इवेलुएट करने में. क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी कंक्लूजन को अगर हमें चेक करना है कि वो सही है गलत है, तो हम क्या करते हैं उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि सम ए आर नॉट बी को गलत करने के लिए अगर हम सम ए आर बी के कंडीशन ढूंढ लें तो सम ए आर नॉट बी गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपने नॉट हटा दिया स्टेटमेंट से. बट ये भी गलत होगा. इनफैक्ट सम ए आर नॉट बी को गलत प्रूफ करने के लिए आपको लाना होगा ऑल ए आर बी. अब समझिए ऐसा क्यों होता है. इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी. तो एक बेसिक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और अब हमें कंक्लूजन में दे रखा है सम ए आर नॉट सी. ठीक है, अगर हम ऐसे बेसिक डायग्राम से देखें तो एक कंडीशन मिल रही है सम ए आर नॉट सी की. बट अगर मैं पॉसिबल डायग्राम ये बनाऊं, ए बी और मैं एक दूसरे कलर पेन से सी बनाऊंगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो, सी. अब देखिए स्टेटमेंट वन क्या कहता है, सम ए आर बी. ठीक है, ये जो येलो वाला एरिया है दिस इज सम ए आर बी. स्टेटमेंट टू क्या कहता है, सम बी आर सी, ये वाला जो एरिया है जो लाइट ब्लू है दिस रिप्रेजेंट सम बी आर सी. एंड नाउ कंक्लूजन में दे रखा है सम ए आर नॉट सी. बट अगर आप अब देखेंगे तो जितने भी ए हैं वो सी के अंडर ही आ रहे हैं, राइट? मतलब ऐसा कोई ए नहीं है जो सी नहीं है. अगर ऐसा कोई ए नहीं है जो सी नहीं है, इसका मतलब तो सम ए आर नॉट सी गलत हो गया ना. सम ए आर नॉट सी का क्या मतलब है, कुछ ए है जो सी नहीं है, बट हमारे वेन डायग्राम से हमें मिल रहा है ऐसा कोई ए नहीं है जो सी नहीं है, तो ये कंक्लूजन वायलेट हो गई. सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जब भी आपको सम नॉट का कंक्लूजन गिवन हो और आपको उसे गलत प्रूफ करना हो, तो आप उसका एक ऐसा पॉसिबल केस ढूंढने की कोशिश करिए जहाँ पे उसे ऑल में कन्वर्ट करा जा सके. अगर ऐसा पॉसिबल केस एग्जिस्ट करता है तो सब नॉट की कंडीशन वायलेट हो गई है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है. अगर ऐसा केस नहीं मिलता है
तो फिर आपका सम नॉट हर केस के लिए ट्रू है। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है उसके बेसिस पे अब हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कहता है ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स, सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता। ठीक है, हम एक बेसिक वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, ठीक है, सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स, ठीक है, लेपर्ड्स मैंने LEO लिखा है, एंड सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता। ठीक है, तो हमारा बेसिक वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन्स पर आते हैं। सम चीतास आर लेपर्ड्स, बेसिक वेन डायग्राम से हमें दिख रहा है ये वाला जो एरिया होगा, दिस रिप्रेजेंट्स सम लेपर्ड्स, सम चीतास आर लेपर्ड्स। बट अभी हमने सीखा ना कि सम नॉट का आप डायग्राम और तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगर मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, टाइगर्स लायंस लेपर्ड्स एंड चीतास, तो अब आप देखिए अभी भी सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ऑल लायंस आर टाइगर, हाँ सारे लायंस टाइगर के अंदर हैं। सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स, हाँ ये बीच में जो शेडेड एरिया है इसमें टाइगर्स और लेपर्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स। और थर्ड जो हमारा था सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता, वो भी अभी भी ट्रू है क्योंकि अब हमने लेपर्ड्स और चीता के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम चीतास आर लेपर्ड्स, बट इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसके अंदर तो सम चीतास आर लेपर्ड्स इज नॉट ट्रू। हमें एक केस मिल गया जिसके अंदर कंक्लूजन इज नॉट ट्रू, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की तो बात कर नहीं रहा, डेफिनेट कंक्लूजन की बात कर रहा है। सो अगर हमें एक भी ऐसा केस मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन वन इज इनकरेक्ट। कंक्लूजन टू पर आते हैं, ऑल लायंस कैन बी लेपर्ड्स। सो बेसिक वेन डायग्राम से देखेंगे तो लायंस और लेपर्ड्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, बट अगर हम इसे ऐसे बनाएं, दिस इज लायन, दिस इज टाइगर, दिस इज लेपर्ड एंड दिस इज चीता। तो अब आप देखेंगे सारे लायंस लेपर्ड्स के अंदर हैं और हमारे सारे ओरिजिनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी ट्रू हैं। अभी लायंस, ऑल लायंस आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स, सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता, ये सब ट्रू है क्योंकि कंक्लूजन में दे रखा है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है आपको बस एक पॉसिबल केस ढूंढना है, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो जब भी कैन बी गिवन है तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, सो पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये ट्रू है। सो ऑल लायंस कैन बी लेपर्ड्स। कंक्लूजन थ्री सेज सम लायंस आर चीता इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज लायन, दिस इज टाइगर, सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स एंड सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता। बट अगर मैं इसे चीता को अंदर बनाऊं, राइट, ये जो ग्रीन एरिया है इसके अंदर सम लायंस आर चीता, राइट, और हमारे जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं वो भी ट्रू है। अभी ऑल लायंस आर टाइगर, ठीक है, सम टाइगर्स आर लेपर्ड, वो भी ठीक है, एंड सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता। अब चीता और लेपर्ड कोई है के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो अगेन सम लेपर्ड्स आर नॉट चीता इज ऑल्सो ट्रू। सो यू कैन सी देर इज वन केस जिसके अंदर सम लायंस आर चीता इज ट्रू, और हमें तो पॉसिबिलिटी ढूंढनी थी ना, एक ही केस ढूंढना था। सो सम लायंस आर चीता इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ टू एंड थ्री। सो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सम नॉट का डायग्राम आप काफ़ी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको सारे केसेस अपने माइंड में रखने होंगे जब आप कंक्लूजन इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आपने एक भी केस मिस कर दिया तो आप गलती कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ओनली ए आर बी भी सीखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओनली ए आर बी गिवन हो तो आप इसको ऑल बी आर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। बेसिकली आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना है और फिर स्टेटमेंट को लिखना है ऑल की फॉर्म में। बट इसके अंदर आपको एक और पॉइंट याद रखना होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है ओनली पेंसिल्स आर इरेजर एंड सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स। तो हम ओनली पेंसिल आर इरेजर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ऑल इरेजर्स
आर पेंसिल्स, ठीक है, और सम पेंसिल्स आर शार्प। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल इरेजर आर पेंसिल, तो मतलब ये हो गया पेंसिल, ये हो गया इरेजर, एंड सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स, तो ये हो गया शार्पनर। ठीक है, अब हमारा वेन डायग्राम बन गया है, तो कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में लिखा है सम इरेजर और शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, तो अब इरेजर और शार्पनर के बीच में कुछ कॉमन एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया, तो सम इरेजर और शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू लग रहा है, राइट। बट ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमें ओनली गिवन है, राइट। हम ओनली को वेन डायग्राम बनाने के लिए ऑल में तो कन्वर्ट कर देते हैं, बट इसका जो इनहेरेंट मीनिंग है वो फिर भी रहेगा। ओनली पेंसिल्स आर इरेजर्स का मतलब है सिर्फ पेंसिल्स ही इरेजर्स हो सकती हैं, पेंसिल्स के अलावा और कोई इरेजर नहीं हो सकता। तो इस डायग्राम में शार्पनर्स और इरेजर्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको एक सेंटेंस में ओनली गिवन हो, तो ओनली का जो प्रेडिकेट होगा, जो ये सेकेंड वाला पार्ट होता है, इसके साथ सिर्फ उसका सब्जेक्ट ही इंटरेक्ट कर सकता है और कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता। चाहे वो पॉसिबल केस हो, चाहे वो डेफिनेट कंक्लूजन हो, किसी भी केस में स्टेटमेंट के प्रेडिकेट के साथ सिर्फ सब्जेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है अगर ओनली गिवन हो, राइट। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट्स, ऑल फोन्स आर रेडियोज, सम रेडियोज आर हेडफोन्स, ओनली हेडफोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल फोन्स आर रेडियोज, तो ये हो गया फोन एंड ये हो गया रेडियो, राइट। सम रेडियोज आर हेडफोन्स, ये हो गया सम रेडियोज आर हेडफोन्स, एंड देन इट्स गिवन ओनली हेडफोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल टेप रिकॉर्डर्स आर हेडफोन्स में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया बेसिकली। तो अब हमने बना लिया ऑल टेप रिकॉर्डर्स आर हेडफोन्स और हमारा वेन डायग्राम पूरा हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन वन क्या कहता है? सम फोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स, राइट। सो फोन्स और टेप रिकॉर्डर्स के बीच में हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि कोई इंट्रैक्शन नहीं है। ऑल्सो हमारे स्टेटमेंट में क्या गिवन है? ओनली। ओनली का क्या मतलब होता है? हमने अभी सीखा कि जो प्रेडिकेट है वो केवल सब्जेक्ट के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ हेडफोन्स ही टेप रिकॉर्डर्स हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई टेप रिकॉर्डर नहीं हो सकता। सो सम फोन्स आर टेप रिकॉर्डर इज इनकरेक्ट। अब दे रखा है सम रेडियोज आर टेप रिकॉर्डर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि हम ऐसे वेन डायग्राम को एक्सटेंड करके बना दें, तो ये गलत होगा। अभी मैंने बताया कि ओनली का मतलब होता है सिर्फ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो क्या एक पॉसिबल केस भी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओनली का मतलब है ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसके अंदर टेप रिकॉर्डर्स हेडफोन्स के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। सो सम रेडियोज आर टेप रिकॉर्डर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है। सम फोन्स कैन बी हेडफोन्स, कैन बी का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये ट्रू हो सकता है क्योंकि हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया फोन, ये हो गया रेडियो, ये हो गया हेडफोन्स और ये हो गया टेप रिकॉर्डर्स। अब देखिए हमारे सारे एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स अभी भी सही हैं। ऑल फोन्स आर रेडियोज, हाँ सारे फोन्स रेडियो के अंदर ही है। सम रेडियोज आर हेडफोन्स, हाँ ये जो एरिया हम शेड कर रहे हैं इसके अंदर रेडियोज आर हेडफोन्स इज ट्रू। एंड फाइनली ऑल ओनली हेडफोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स, हाँ ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसके अंदर ओनली हेडफोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स इज ट्रू। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंक्लूजन थ्री जो कह रहा है सम फोन्स कैन बी हेडफोन्स, ये भी तो ट्रू है क्योंकि ये एरिया जो रेड शेडेड है इसके अंदर फोन्स और हेडफोन्स के बीच में इंटरेक्शन है। और क्योंकि हमें कैन बी गिवन है, हमें एक ही पॉसिबल केस ढूंढना था, तो हमने एक पॉसिबल केस को ढूंढ लिया है। तो स्टेटमेंट, सो कंक्लूजन थ्री इज करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ओनली से आप वेन डायग्राम के थ्रू ऑल तो बना लेते हैं, लेकिन जो ओनली का इनहेरेंट मीनिंग है, जो उसका मतलब होता है, वो भी आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा।
ओनली हेडफोन्स आर टेप रिकॉर्डर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑल टेप रिकॉर्डर्स आर हेडफोन्स, उसका ये भी मतलब है कि हेडफोन्स के अलावा कोई और चीज़ टेप रिकॉर्डर नहीं हो सकती, नथिंग एक्सेप्ट हेडफोन्स कैन बी टेप रिकॉर्डर्स। सो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिलॉजिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ईदर और, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है ऑल ए आर बी, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सम बी आर सी। तो ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन्स पर आते हैं। कंक्लूजन वन कहता है नो ए आर सी, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक वेन डायग्राम है, इसी से हमें दिख रहा है कि ए और सी के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। सो नो ए आर सी इज़ ट्रू हेयर। बट अगर आप इसको ऐसे बनाएं, दिस इज बी, दिस इज ए और ये है सी, राइट। तो अब ए और सी के बीच में इंट्रैक्शन है, तो फर्स्ट डायग्राम में ए और सी के बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, सेकंड डायग्राम में ए और सी के बीच में इंट्रैक्शन है। बट हमें क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन गिवन है। सो नो ए आर सी इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें एक केस ऐसा मिल गया है जो कि सेकंड डायग्राम है, जिसके अंदर ए और सी इंट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली सम ए आर सी का अगर हम बनाए तो देखेंगे सेकंड डायग्राम में सम ए आर सी इज़ करेक्ट, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है इधर सम ए आर सी। बट अगर आप फर्स्ट डायग्राम में जाएं तो इधर ए और सी के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब सम ए आर सी इज़ इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम समराइज करते हैं इसको कि क्या हो रहा है। सो हमारे पास दो डायग्राम है, वन और टू, ठीक है। और हमारे पास दो कंक्लूजन है, नो ए आर सी एंड सम ए आर सी, राइट। सो नो ए आर सी डायग्राम वन से ट्रू है, ठीक है, बट डायग्राम टू से नो ए आर सी इज इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर आप सम ए आर सी का देखेंगे तो डायग्राम वन से इट इज़ इनकरेक्ट, ए और सी के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं, बट अगर डायग्राम टू से देखेंगे तो दिस इज़ करेक्ट। सो हमें एक ऐसा केस मिल रहा है जिसके अंदर दो कंडीशंस आर इंडिविजुअली इनकरेक्ट बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर नो ए आर सी ट्रू है तो सम ए आर सी फॉल्स हो जाएगा, अगर सम ए आर सी ट्रू है तो नो ए आर सी फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं ईदर और, मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपके दोनों कंक्लूजन वन और टू इनकरेक्ट हैं, बट आप लिखेंगे ईदर वन और टू, क्योंकि हर केस के अंदर या तो वन सही होगा या टू सही होगा। ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसके अंदर दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो ऐसे केसेस में हम ईदर और का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बट अगर आप हर क्वेश्चन के लिए ऐसे वेन डायग्राम बना के फिर ऐसे टेबल बना के बार बार चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने ईदर और के लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं, आपको बस वो रूल्स फॉलो करने हैं और आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। ओके, सो रूल वन कहता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी द सेम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन हो सम ए आर बी और दूसरा गिवन हो सम ए आर नॉट सी, ठीक है, तो इनके अंदर ईदर और कभी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट तो सेम है बट प्रेडिकेट अलग अलग है, राइट। हाउएवर अगर आपके पास ऐसे गिवन होता सम ए आर नॉट बी, तो इन दोनों के अंदर ईदर और स्टेटमेंट पॉसिबल होता क्योंकि इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है,
तो ये बात अलग है कि आगे की कंडीशंस भी उसे ट्रू करनी होगी इधर और होने के लिए, बट एक पॉसिबिलिटी अराइज करती है कि इधर और होता है, जबकि पहले दो स्टेटमेंट्स के अंदर तो इधर और कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही अलग है। सेकेंड रूल क्या कहता है, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, मतलब अगर आपको गिवन है नो ए इज सी, सम ए इज सी, और ये गिवन है कि फर्स्ट कंडीशन तो गलत है बट सेकेंड कंडीशन सही है, तो भी इधर और नहीं हो सकता। इधर और तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हों, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इधर और का केस नहीं लाएगा। एंड फाइनली बोथ सेंटेंसेस शुड फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सो हमारे तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, आपको केवल इन्हीं तीन के अंदर इधर और चेक करना है, अगर इन तीन के अलावा और कोई भी केस होता है तो उसमें इधर और नहीं लगेगा। सो क्या है तीन, फर्स्ट इज ऑल प्लस सम नॉट, सेकेंड इज नो प्लस सम, एंड थर्ड इज सम प्लस सम नॉट। मतलब अगर आपको कंक्लूजन्स का एक पेयर मिलता है जिसमें लिखा है ऑल ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, तो उसमें आप इधर और चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको एक कंक्लूजन का पेयर गिवन है जिसके अंदर गिवन है नो ए इज बी एंड सम ए आर नॉट बी, तो उसके अंदर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही नहीं है, तो उसके अंदर इधर और कभी नहीं हो सकता। तो अगेन ये तीन रूल्स आपको याद रखने हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हैं तो इधर और अप्लाई होगा वरना नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थ्री सेज ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट आर पार्क। तो इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, दिस इज प्लांट, दिस इज ट्री, तो ऑल प्लांट्स आर ट्री बन गया, सम ट्रीज आर फॉरेस्ट, ये हो गया फॉरेस्ट, एंड सम फॉरेस्ट आर पार्क्स, तो ये हो गया पार्क्स। ठीक है, अब कंक्लूजन वन में दे रखा है नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट, तो अगर बेसिक वेन डायग्राम से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट इज ट्रू, बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राइट, ट्री प्लांट फॉरेस्ट पार्क्स। अब देखिए ये जो शेडेड रीजन है इधर तो प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट ना, तो नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट तो यहाँ पे गलत हो गया, तो एक पॉसिबल केस मिल गया जहाँ पे नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट, और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी तो कहीं नहीं लिखाया नहीं है, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन पूछ रहा है, तो अगर एक भी केस मिल गया जहाँ पे गलत है तो कंक्लूजन ही गलत है, तो नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू कहता है सम फॉरेस्ट आर प्लांट्स, तो हमारे बेसिक वेन डायग्राम से ही इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लांट्स और फॉरेस्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो एक केस तो मिल गया जब जहाँ पे सम फॉरेस्ट आर प्लांट इज इनकरेक्ट, तो कंक्लूजन टू भी गलत हो गया। एंड देन कंक्लूजन थ्री सेज सम ट्रीज आर पार्क, तो अब अगर आप देखेंगे ट्रीज और पार्क के बीच में बेसिक वेन डायग्राम में कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक केस मिल गया जिसमें गलत है डेफिनेट कंक्लूजन है, तो पूरा कंक्लूजन ही गलत हो सकता है, सो सम ट्रीज आर पार्क इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब सारे इनकरेक्ट हैं तो यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक नन ऑफ दीज, बट ध्यान दीजिए मैं ऑप्शंस में देखूंगा इधर दे रखा है, इधर दे रखा है तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा कि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो अब देखेंगे प्लांट्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्लांट्स, बट थर्ड में ट्रीज एंड पार्क, सो थ्री के अंदर तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही अलग है, तो ये तो नहीं हो सकता, थ्री के अंदर इधर और नहीं हो सकता। ठीक है, हमें फर्स्ट और, अब हमें बस फर्स्ट और सेकंड पे फोकस करना है, राइट, इसमें गिवन है नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट एंड सम फॉरेस्ट आर प्लांट्स, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है बट उनका ऑर्डर चेंज है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था इफ सम ए आर बी इज डेफिनेटली ट्रू, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सम बी अरे, क्यों, वेन डायग्राम तो सेम ही है ना, ये सम ए आर बी का वेन डायग्राम है और सम बी आर ए का वेन डायग्राम क्या होगा, यही तो होगा, तो सम ए आर बी जब ट्रू होता है तो सम बी आर ए इज ऑल्सो ट्रू,
इसका मतलब सम फॉरेस्ट आर प्लांट्स को वी कैन राइट एज सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट। और हमारे दो कंक्लूजन्स क्या हो गए, नो प्लांट्स आर फॉरेस्ट, सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो गए, ठीक है। सेकेंड, दोनों गलत होने चाहिए, कंक्लूजन वन भी गलत है, कंक्लूजन टू भी गलत है, ये भी सही हो गया। फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, नो, सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, नो एंड सम यूज कर रहा है, राइट, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ईदर वन और टू, राइट। क्वेश्चन फोर पर आते हैं, सम गिटार्स आर सितार्स, सम ड्रम्स आर नॉट कीबोर्ड्स, सम सितार्स आर ड्रम्स, ओके, सो सम गिटार्स आर सितार्स, ठीक है, सम सितार्स आर ड्रम्स, ये भी ठीक है, एंड सम ड्रम्स आर नॉट कीबोर्ड्स, ठीक है, ये भी बन गया, तो ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल ड्रम्स आर गिटार्स, तो हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि ऑल ड्रम्स आर गिटार्स इज इनकरेक्ट। बेसिक वेन डायग्राम में हमें एक ऐसा केस मिल रहा है जिसके अंदर सारे ड्रम्स गिटार नहीं है, सो कंक्लूजन वन इज इनकरेक्ट। कंक्लूजन टू, सम गिटार्स आर नॉट ड्रम्स, राइट, तो बेसिक वेन डायग्राम से तो हमें मिल रहा है एक केस जिसके अंदर सम गिटार्स आर नॉट ड्रम्स, बट अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, दिस इज गिटार, दिस इज सितार, दिस इज ड्रम्स एंड दिस इज कीबोर्ड्स, ध्यान से देखिए क्या हमारे एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो अभी भी ट्रू हैं, सम गिटार्स आर सितार्स, हाँ येलो वाला एरिया जो है ये है गिटार्स आर सितार्स, सम ड्रम्स आर नॉट कीबोर्ड्स, हाँ ये सारा एरिया जो मैं पिंक शेड कर रहा हूँ है सम ड्रम्स आर नॉट कीबोर्ड्स, बेसिकली कीबोर्ड के अलावा जितना भी एरिया ड्रम्स का दैट इज सम ड्रम्स आर नॉट कीबोर्ड्स, राइट, एंड सम सितार्स आर ड्रम्स, हाँ तो ये वाला जो स्काई ब्लू एरिया है सम सितार्स आर ड्रम्स, बट इस डायग्राम में कंक्लूजन टू को देखने की कोशिश करें, सम गिटार्स आर नॉट ड्रम्स, ये सारे गिटार्स हैं, राइट, बट क्या आप डायग्राम में एक भी ऐसा गिटार देख सकते हैं जो ड्रम नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम में सारे गिटार्स ड्रम के अंदर ही आते हैं, सो ऐसा एक भी गिटार नहीं मिलेगा आपको जो ड्रम नहीं है, अगर ऐसा एक भी गिटार नहीं मिलेगा जो ड्रम नहीं है तो सम गिटार्स आर नॉट ड्रम इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो कंक्लूजन टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फाइनली सम गिटार्स आर कीबोर्ड्स, तो बेसिक वेन डायग्राम से दिख रहा है कि सम गिटार्स आर कीबोर्ड्स इज इनकरेक्ट, सो अगर हमें एक भी ऐसा केस मिल जाता है जहाँ पे कंक्लूजन ट्रू नहीं है तो हम कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, सो सम गिटार्स आर कीबोर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन तीनों कंक्लूजन इनकरेक्ट मिल चुके हैं बट ऑप्शन में ईदर दे रखा है तो हमें ईदर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखते हैं, तो स्टेटमेंट वन के अंदर ड्रम्स एंड गिटार्स, स्टेटमेंट टू के अंदर गिटार्स एंड ड्रम्स, ठीक है ये भी सेम है, बट स्टेटमेंट थ्री के अंदर इट्स गिवन गिटार्स एंड कीबोर्ड्स, तो ये तो अलग हो गया, कीबोर्ड्स दोनों में नहीं है, तो कंक्लूजन थ्री तो कैसे भी इधर और में नहीं आ सकता। अब आप कंक्लूजन वन और टू को ध्यान से देखेंगे तो इट्स गिवन ऑल ड्रम्स आर गिटार्स एंड सम गिटार्स आर नॉट ड्रम, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, ऑल्सो ऑल ए इज बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑल बी इज ए, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, ऑल बी इज ए इज वन पॉसिबल केस बट डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता, तो ऑल ड्रम्स आर गिटार्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू ऑल गिटार्स आर ड्रम्स, जब इसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर सेम नहीं हो पाएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का अगर ऑर्डर सेम नहीं हो पाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इधर और नहीं लगेगा, तो इसके अंदर द करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, राइट, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और इधर और भी नहीं लग रहा है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। सो ये भी ध्यान रखिए कि जस्ट बिकॉज इधर और दे रखा है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है तो आप ब्लाइंडली इधर और टिक कर दें, ऐसा भी नहीं करना है, आपको पहले इधर और की सारी कंडीशंस चेक करनी है और उसके बाद ही इधर और टिक करना है। तो क्वेश्चन फाइव पर आते हैं, क्वेश्चन फाइव कहता है सम गूगल और अमेजोन, ऑल अमेजोन और याहू, सम याहू और ट्विटर, ओके, सो सम गूगल आर
Amazon, all Amazon are Yahoo, and some Yahoo are Twitter. तो ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम बन गया, ठीक है. कंक्लूजन वन, नो गूगल और अमेज़ॉन. अगर आप बेसिक वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये जो शेडेड एरिया है, इधर सम गूगल और अमेज़ॉन, मतलब कुछ गूगल तो हैं जो अमेज़ॉन का पार्ट है, तो इसलिए नो गूगल और अमेज़ॉन इज इनकरेक्ट, ठीक है. कंक्लूजन टू पर आते हैं, ऑल ट्विटर और अमेज़ॉन, अमेज़ॉन और ट्विटर के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो ऑल ट्विटर और अमेज़ॉन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हमें एक केस दोनों में यहीं पे मिल गए जो गलत कर रहे थे, सो दोनों कंक्लूजन्स गलत होंगे. बट अब आप ध्यान से देखिए ऑप्शंस क्या देखे हैं बोथ. सो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आपको ईदर या नीदर देखे तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है. सो ईदर में तो हमने ये सीखा था कि ईदर वो केस होता है जिसके अंदर आपके दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. नीदर वो केस होता है जिसके अंदर दोनों कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली गलत हैं. जैसे इस केस में आप देख सकते हैं इसी वेन डायग्राम के अंदर नो गूगल और अमेज़ॉन भी गलत है, ऑल ट्विटर और अमेज़ॉन भी गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. इस सेशन को अब हम यहीं रोकते हैं. हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए सिलॉजिज्म में. अब आपका काम आता है कि आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करें. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. थैंक यू फॉर योर टाइम.